हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे BBMQ के यूई सेमेस्टर 2 सेशन 2021-24 में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों की देखिए परीक्षा तो खत्म हो गई होगी और आप लोग आराम से रिलैक्स मोड में चल गए होंगे कि अब तो खत्म हो गया काम, यूई सेमेस्टर 2 खत्म, अब आएगा हमारा यूई सेमेस्टर 3 जो 6 महीना बाद होगा। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। जिनकी ऐसी अवधारणा है कि 6 महीने बाद अब हमारा एग्जामिनेशन होगा, यानी आज से लगभग मान के चलते हैं कि मई या फिर अप्रैल मंथ में होगा, लेकिन ऐसा आप लोग गलत सोचते हैं। तो क्यों गलत सोचते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल डेट का लिए एक नोटिस BBMQ ने जारी किया है, तो क्या है वो नोटिस, तो आइए आज के सेशन में चर्चा करने वाले। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार BBMQ जुड़ी हर अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा और एक आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक पर जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइए। फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगर काम रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री हूँ आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस नोटिस पे हम लोग डालते नजर, ये 18/11/2022 को नोटिस जारी किया हुआ है जिसमें सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 1 के जो भी छात्र छात्रा उनके लिए देखिए यहाँ पर सूचना है, कुछ जरूरी सूचना है, तभी मैं आप सही बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना कोई उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर क्या है वो जरूरी सूचना, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो क्लास चलता था वो ऐसा BBMQ के अकॉर्डिंग कहना है कि आपका 27/6/2020 तो क्लास चलता था, लास्ट क्लास 20/10/2022 तक चला। आपका जो परीक्षा है वो 5 से स्टार्ट हो चुका था और 19 आपका जो परीक्षा था वो 5 से स्टार्ट हुआ और 19 पे जाके खत्म हुआ, यानी कल आपका एग्जामिनेशन जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन होगा वो 24 से लेकर 2 के बीच में होने वाला है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। और प्रैक्टिकल एग्जाम होता किसका है, तो बेसिकली साइंस के स्टूडेंट्स का होता प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और कुछ कह सकते हैं बच्चों आर्ट्स के सब्जेक्ट का रहता है यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो जो भी है देखिए डेट शीट जब आएगा तो शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर नोटिस डाल दिया गया है कि 24 से लेकर 2 तारीख के बीच में कभी भी आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो जो भी बच्चे सोच रहे थोड़ा घूम घूम के आते हैं कहीं से, तो ऐसा गलत फहमी पाल रहे हैं, जा सकते हैं बीच में लेकिन फिर बीच में घूम के रिटर्न आना पड़ेगा, तो फिर मुझे कमेंट करके मत पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहा BBMQ, जो भी आपके मन में बजा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका देखिए मेन यहाँ पर एक नोटिस डाला हुआ है कि आपका 7/12/2022 से आपका जो नया सेमेस्टर है वो BBMQ करने वाला है स्टार्ट। याद रखिए यहाँ पर बोल दिया गया कि आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो 7/12/2022 से आपके क्लासेस स्टार्ट होने वाले, तो क्लासेस तो होते नहीं है आपको मालूम होगा, लास्ट होने वाला है 20 दिसंबर या मान के चलिए 18 तक आपका सारा का सारा कॉलेज है बंद हो जाएगा, फिर मकर संक्रांति के बाद आपका कॉलेज खुलेगा। तो याद रखिए देखिए यहाँ पर एक डेट जरूरी, जो आपको सेमेस्टर 4 के जो भी छात्र छात्रा हैं उनका तो एग्जामिनेशन डेट BBMQ ने तो अभी फिलहाल होने वाला, उनका उनका सेमेस्टर 5 होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम डेट है जो 12 से लेकर 25 है। याद रखिएगा सेमेस्टर 1 जैसे ख़त्म होगा BBMQ सेमेस्टर को बैलेंस करना चाहेगा, क्योंकि सेमेस्टर अभी आप लोग सेमेस्टर 2 में जो भी छात्र छात्रा है उनका रिजल्ट मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है अभी मान के मेरे हिसाब से चलिएगा तो दिसंबर में आपका जो रिजल्ट है वो BBMQ शायद कर देगा जारी, ठीक है, क्यों, क्योंकि फरवरी में या फिर मार्च के स्टार्टिंग वीक में आपका जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। क्यों करवाया जाएगा, क्योंकि सेशन को थोड़ा सा देखिए रेगुलर जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का सेशन और जो नया सेशन से स्टार्ट हुआ जैसे आप में से बहुत छात्र छात्राएं क्या है यू सेमेस्टर 1 में आपका फेल लगा हुआ है, ठीक है, तो उनको बैलेंस करने के लिए BBMQ ऐसा जरूर करेगा। तो इसमें से जो भी आप में से जो भी बचे यू सेमेस्टर 2 में फिलहाल आराम से नींद सो रहे हैं, ठीक है, कि 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन फरवरी या फिर मार्च में जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो BBMQ अगर चाहे तो सेशन को बैलेंस करने के लिए जरूर करेगा। तो मेरा जानकारी मेरा काम था आपको जानकारी देना, तो मैंने आपको जानकारी दी, बाकी मानना ना मानना वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं। तो जो भी था मैंने आपके साझा कर दिया, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।